आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा है और आपका भरने के लिए पैसे नहीं तो उस केस में क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता है ये सही तो नहीं है, लेकिन एंड में ऑप्शन जो है यही बचता है। अगर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एंड में आप ये डिसीजन जो है ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने डिसीजन लिया तो उसके बाद आपको कार्ड जो है जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका सिविल स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको काफ़ी सारे तरीके हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो आपको पूरा देखना है तो ही आपको समझ में आने वाला है। अगर आपने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो आपकी जो पूरी मेहनत होगी अभी तक की, जो आपने वीडियो देखने में टाइम लगाया होगा, वो सारा कुछ वेस्ट जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आप देखना पूरा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड या ज़्यादा बिल हो गया, आपको बिल भरने में तकलीफ हो रही है तो चलिए शुरू इस वीडियो को बिना समय गवाए। फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपका जो कार्ड का बिल है वो है 1,00,000 रुपये का, जिसमें आपने खाली यूज़ किया था 50,000। ठीक है, और जो बाकी 50,000 रुपये है वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका कार्ड जो है आप उसका जो है सेटलमेंट करा सकते हो आपके बिल पेमेंट का। लेकिन दोस्तों अगर आपने सेटलमेंट कराया तो आपको कार्ड जो दोबारा नहीं मिलता है, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने के बाद आपको कार्ड मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बिल जो है वो कम भी हो जाए और आपको कार्ड भी आपको मिल जाए और आपको जो लिमिट था वो लिमिट आपको मिल जाए और आप दोबारा आप उस कार्ड को यूज़ भी कर पाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं मेरे ख्याल से शायद रिवर्सिबल या रिवर्स कुछ तो कहते हैं। आपको जब बिल भरोगे तो वो बैंक वाले आपको खुद ही बता देंगे सामने से कि ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ये ऑप्शन अप्लाई करते हो तो कार्ड आपके पास रहेगा, लिमिट भी रहेगा, आपका कार्ड एक्टिव भी रहेगा, आप कार्ड अपना यूज़ भी कर पाओगे। मान लीजिए अगर आपका बिल 1,00,000 रुपये का है और एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगे थे 50,000 रुपये, तो बैंक वाले से खाली इतना कहेंगे कि आप शायद आप 55,000 या 56 या 57,000 भर दीजिए, आपका कार्ड जो है एक्टिव रहेगा, बाकी आपका पैसा जो माफ़ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, बस 5-6 क्रेडिट कार्ड थे, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद बिल भरने को बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उसने एंड में यही स्टेप लिया था और मैंने उसको चीज़ बताई थी। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने ये केस हो चुका है तो इसलिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये आपको हमेशा अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, खाली उसी केस में अप्लाई करना जब आपका बिल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये आपको लग रहा है कि आप नहीं भर पाओगे, ज़्यादा बढ़ने से अच्छा आप इसका सेटलमेंट करा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, या तो फिर आप रिवर्सल भी करा सकते हो जैसे जो आपको ठीक लगे, या फिर अगर कोई और ऑप्शन है जो आपको बैंक वाले कॉल करेंगे तो आप उनसे ये चीज़ पूछ भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ जो बैंक वाले बता रहे हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपको उसका आंसर जो है दे दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आपने अपना सेटलमेंट करा दिया या फिर आपने करा दिया रिवर्सिबल करा दिया तो आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा भी हो जाता है। उसके भी कुछ तरीके हैं, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया रहेगा अगर आपका बिल ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं जितना आपने यूज़ किया वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है कि नहीं दोस्तों, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और दोस्तों मैं आपको बैंक का नाम नहीं बताऊंगा कि किस बैंक ने कितना कम किया था कितना नहीं कम किया था, वो मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड ने खुद ने किया था। ठीक है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपको कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आप उसे जो है मिटा सकते हो इसके थ्रू, सेटलमेंट एंड रिवर्सिबल के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो रिवर्सिबल है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भरना पड़ता है क्योंकि उसमें आपका कार्ड जो है एक्टिव रहता है, लेकिन जो आप करते हो सेटलमेंट उसमें आपका कार्ड जो है एक्टिव नहीं होता, आपका कार्ड जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फर्क होता है, आपको ये फ़र्क जान लेना चाहिए सेटलमेंट या रिवर्सिबल कराने से पहले। और दोस्तों, जब भी आप कार्ड का जो सेटलमेंट कराते हो या आप कराते हो रिवर्सिबल, तो आपके पास प्रूफ ज़रूर रखिए, लाइक वाया ईमेल से या ओवर द कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, ताकि आपके पास प्रूफ रहे बैंक वाले आपको ये चीज़ें कहा था, ये कंडीशन दी थी, फिर आपने बिल जो है पे किया। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपका जो हेडेक थोड़ा सा कम हुआ रहेगा बिल पेमेंट को लेकर। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।